एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास. दिस इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. एंड ऑल ऑफ यू नो दैट इन लास्ट सेशन आई टोल्ड यू इन डिटेल अबाउट द मीनिंग ऑफ फोर्जरी, व्हाई दिस इज यूज्ड इन दिस एक्ट, व्हाट इम्पैक्ट डज फोर्जरी हैव ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. सो ऑल दैट वी कवर्ड इन लास्ट सेशन. एंड स्टूडेंट्स हु हैव नॉट वॉच्ड दैट, ऑन द टॉप यू सी दैट लिंक, गो एंड वॉच दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. सो फोर्जरी के बारे में जब आपको सारा पता लग जाएगा क्या होती है, कैसे की जाती है, और ये एक क्रिमिनल क्राइम भी है जिसको क्रिमिनल लॉ कवर करता है. नाउ हेयर इज वन थिंग व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, कि किस केस में ऐसा होता है कि फोर्जरी भी हुई है लेकिन आप उस फोर्जरी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, आप उस फोर्जरी की कंप्लेन नहीं कर सकते. यू आर बींग स्टॉप्ड टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट फोर्जरी. अब एक पार्टी के साथ गलत भी हुआ है एंड स्टिल ही कैन नॉट गो अगेंस्ट दैट फोर्जरी, या वो कंप्लेन नहीं कर सकता, या उसको जो वो गलत हुआ है उसके साथ उसको भोगना ही पड़ेगा. ही इज स्टॉप्ड फ्रॉम बीइंग रेजिंग हिज वॉइस अगेंस्ट दैट. तो ये सब बातें जानना जरूरी है. एंड वी विल सी दिस इन दिस सेशन कि हाउ अ पर्सन इज बीइंग स्टॉप्ड फ्रॉम या अगेंस्ट फोर्जरी. सो हेयर वी हैव स्टूडेंट्स द बैंकर. मीन्स बैंक क्या है, बैंक के बारे में आपको पता ही है. बैंक हाउ एवर ही हैज अ रेमेडी अगेंस्ट द फोर्जरी. बैंक के पास एक रेमेडी है अगर कुछ भी फोर्जरी होती है, फेकनेस होती है. ही कैन रिकवर द होल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द फोर्जर. फोर्जर जिसने गलत किया है. अब आप यहाँ पर एक केस देखिएगा जो मैंने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था. ए है, ए ने बी को चेक दे दिया, बी ने उसमें फोर्जरी करके या कुछ भी साइन या अमाउंट ज़्यादा डाल के ए के बैंक SBI से पैसे निकलवा लिए. अब देखा जाए SBI ने पेमेंट कर दी, ए आता है SBI के पास कि आपने मेरे अकाउंट से तो डबल पैसे निकाल के दिए, मैंने तो चेक में इतना डाला ही नहीं था. यहाँ पर अब गलती आती है SBI की. SBI को नेग्लिजेंसी नहीं करनी थी, उनको सारी चीज़ें क्रॉस वेरीफाई करनी थी. अब यहाँ पर SBI क्या करेगा, जितना सपोज 5 लाख देने थे उसने 10 लाख दे दिए, अब 5 लाख का भुगतान तो SBI करेगा, वो वापिस से एक अकाउंट में डालेगा. बट SBI के पास अब एक रेमेडी है. अपार्ट फ्रॉम दैट क्या रेमेडी, वो बी के ऊपर केस कर सकता है. थ्रू लीगली ही कैन क्लेम हिज 5 लाख बैक. बैंक उसको 5 लाख के लिए वापिस से कहेगा और उसको जिम्मेदार ठहराएगा और मांगेगा अपने पैसे, होल द अमाउंट फ्रॉम द फोर्जर एज मनी पेड अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, क्योंकि SBI ने वो बाय मिस्टेक उसको पे कर दिए थे. तो ये आप सब जानते हैं. नाउ इट इज देयर फॉर द ड्यूटी ऑफ द कस्टमर वेन ही लर्न्स ऑफ द फोर्जरी. मतलब ये ए की, यहाँ पर देखो ए ने आवाज उठाई तभी तो SBI को पता लगा कि भैया हमने एक्स्ट्रा 5 लाख दे दिए हैं, उसको सिर्फ 5 देने थे, 10 नहीं देने थे, और जब वो 5 लाख है वो मांगो उससे. लेकिन ये SBI को कब पता लगा, जब ए ने आके कंप्लेंट करी. अगर ए आता ही नहीं, ही सपोज ही वो स्लीपिंग ओवर हिज राइट्स, उसको 10 लाख गए, 5 लाख गए, उसने इस बात को चेक ही नहीं किया, तो SBI क्या करेगा. SBI की थोड़ा गलती है, पैसे तो एक अकाउंट से ही गए हैं. समझ रहे हो स्टूडेंट. सो ही लर्न अबाउट दिस फोर्जरी ऑफ हिज सिग्नेचर या अमाउंट टू इन्फॉर्म द बैंक. उसकी ड्यूटी थी कि उसने बैंक को जाके इन्फॉर्म कर दिया था, और तभी बैंक को रियलाइज हुआ कि हमसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट में ज़्यादा अमाउंट पे की गई, और तभी हमें एक्शन लेना है अगेंस्ट द फोर्जर. ये साइकिल आपको समझ में आया. Now, if the customer withholds his information, suppose A जो है बैंक के पास जाता ही नहीं, SBI के पास जाता ही नहीं, तो consequence क्या होता, banker loses his remedy, bank B से claim ही नहीं कर पाता, वो B को कभी responsible ही नहीं ठहराता, B के against कभी भी action ही नहीं ला जाता, and customer will be stopped from relying upon the forgery of his signature. And later on वो ये नहीं डाल सकता था complaint, कौन कस्टमर की, मेरे तो साइन कॉपी हुए थे. आपको या तो तुरंत बताना था या आप लेटर ऑन इस चीज़ को नहीं बताएंगे. बैंक का सिर्फ यही काम नहीं रहेगा कि वो आपके चेक पर ही काम करता रहेगा, दे हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स, राइट. नाउ वन मोर केस रिलेटेड टू दैट आपको इस केस स्टडी से समझ में आएगा. इन ग्रीनवुड्स वर्सेज मेरिटियंस बैंक, इसमें क्या होता है, द प्लेंटिव्स वाइफ जो है रिपीटेडली फोर्ज्ड हर हस्बैंड सिग्नेचर. अपने हस्बैंड के सिग्नेचर बार बार कॉपी कर जाती थी चेक पे, एंड अब उससे पैसे मनी निकलवाती रहती, ड्रू आउट द मनी.
विच शी अप्लाइड फॉर हर ओन यूजेज, और अपने लिए ही वो निकलवाती, तो हस्बैंड वाइफ में चलता रहा. अब हस्बैंड इस चीज़ के बारे में अवेयर हुआ, हस्बैंड बिकेम अवेयर ऑफ हिज फोर्जरीज की ऐसा कर रही है, बट बींग परसुएडेड बाई हिज वाइफ, लेकिन वाइफ के प्रेशर से उसने कुछ नहीं कहा. 8 महीने तक वो इसकी ये चीज़ें झेलता रहा कि चल ठीक है तू साइन कर रही है, मेरे फोर्जरी कर रही है, बैंक से निकलवा रही है, मैं नहीं कहूँगा. बट हस्बैंड को पता है कि मेरे साइन फेक हो रहे हैं, वाइफ इज़ डूइंग फोर्जरी, बट ही कैप्ट साइलेंट फॉर 8 मंथ्स. यहाँ पर मतलब क्या है कि हस्बैंड की गलती हो रही है, वो बैंक को क्यों नहीं बता रहा. बैंक को थोड़ा सपने आ रहे हैं कि उसके साथ गलत हो रहा है, और गलत हो भी रहा था तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद वो जा सकता था. ही पास्ड 8 मंथ्स फॉर दिस. And when he finally decided to disclose the forgery to the bank, जब उसने decide किया, the wife shot herself dead. Wife अपने आप को shot करती है, suicide करती है, and उसकी death हो जाती है. The plaintiff claimed that the banker should not be allowed to debit his account. यहाँ पर प्लेंटिव कौन, हस्बैंड ये क्लेम डालता है कि बैंक को उसके अकाउंट से पैसे नहीं निकलवाने चाहिए, या बैंक को उसके डेबिट नहीं करने चाहिए ये पैसे, क्योंकि अब उसकी वाइफ की डेथ हो गई. तो प्लेंटिव ऑर्डर ड्यूटी टू द बैंक. अब यहाँ पर इसमें क्या डिसाइड हुआ, क्या कोर्ट ने अपना रिजल्ट दिया, कि प्लेंटिव की तो भैया ड्यूटी बनती थी कि उसको बैंक को ये सब डिस्क्लोज करना था, ये जो भी फोर्जरी हो रही है, फेकनेस हो रही है, चीटिंग हो रही है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी जैसे ही उसको इस चीज़ के बारे में अवेयर हुआ. व्हेन ही बिकेम अवेयर ऑफ ऑल देम एंड सो इनेबल द डिपेंडेंट्स टू टेक स्टेप्स टूवर्ड्स रिकवरिंग द मनी. और अगर वो बता देता टाइम पे तो बैंक क्लियरली उसकी वाइफ से वो सारा पैसा मांगता, विच वॉज रॉन्गफुली पेड थ्रू दिस फोर्स्ड चेक्स. ओके दैट, और ये फेलियर किसका हुआ, हस्बैंड का फेलियर टू फुलफिल हिज ड्यूटी. उस हस्बैंड की गलती की वजह से ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम ब्रिंगिंग एन एक्शन अगेंस्ट द वाइफ फॉर द टॉर्ट ऑफ फोर्जरी. अब उसकी वाइफ के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं आया, ना तो बैंक लेकर आएगा, ना हस्बैंड लेकर आ सकता. व्हाई नॉट यू फाइल योर क्लेम फॉर 8 मंथ्स, व्हाई वर यू सिटिंग क्वाइट, एंड देयरफॉर प्लेंटिव वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम असर्टेनिंग दैट सिग्नेचर टू द चेक्स वर फोर्जरीज. इसलिए हस्बैंड लेटर ऑन ये क्लेम नहीं कर सकता, ही वॉज बींग स्टॉप्ड, उसको रोक दिया गया कि अब आप फोर्जरी की बार बार ये बात मत उठाओ, क्योंकि जब उठानी थी, जब आपने नहीं उठाई, नाउ यू आर बींग स्टॉप्ड फ्रॉम टेकिंग दिस कंप्लेंट अगेन एंड अगेन. राइट, सो वट रेजिज एंड स्टॉपल इज नॉट द फैक्ट दैट द इंफॉर्मेशन वॉज विद हेल्ड. यहां पर यह बात नहीं है कि इंफॉर्मेशन उसने अपने पास ही रखी, बट द फैक्ट दैट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट फेलियर, उनके उस फेलियर की वजह से, या फिर उनके उस डिले की वजह से, यहां पर फीचर नहीं आना है, इट्स फेलियर, फेलियर या उनकी डिले की वजह से बैंकर सफर्ड अ डेट्रीमेंट ऑन दैट वट ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज राइट्स अगेंस्ट द फोर्जर. बैंक अब कोई भी एक्शन नहीं ला सकता रोंग डूअर के अगेंस्ट, कि हस्बैंड के चुप रहने की वजह से अब बैंक वाइफ से अमाउंट क्लेम नहीं कर सकता. ये यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस हुआ, इसलिए अब वो अमाउंट नहीं, सॉरी वो कंप्लेंट फोर्जरी की नहीं उठाएगा. ऑल राइट स्टूडेंट, सो आई होप यू अंडरस्टूड वट इज द फोर्जरी एंड वेन यू आर स्टॉप्ड अगेंस्ट फोर्जरी, आप कब फोर्जरी के अगेंस्ट आवाज नहीं उठा सकते. थैंक यू फॉर लिसनिंग, कीप शेयरिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. अगेन वी हैव योर मेल एड्रेस, यू कैन सेंड अस योर क्वेरीज, यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम. जिस भी स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए या किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस चाहिए, स्पेसिफिकली लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है. यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यू कैन व्हाट्सएप अस. टिल देन कीप वॉचिंग.